ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अति धोखादायक इमारतों पर रमजान बाद मनपा कार्रवाई करेगी, मगर मुंब्रा कौसा परिसरों में बन रहे अवैध निर्माण कामों पर अब मनपा का शिकंजा कसता जा रहा है। जिस तरह से अवैध निर्माण धड़ल्ले से हो रहे हैं, मनपा ने अब इन पर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। ईद के दूसरे दिन ही मनपा ने अवैध निर्माणों पर हथौड़ा चलाने का मन बना लिया है। सहायक आयुक्त महेश आहिर ने जानकारी दी है कि जितने भी अवैध निर्माण हुए हैं, ईद के दूसरे दिन ही इन्हें तोड़ दिया जाएगा। इस पर सहायक आयुक्त महेश आहिर ने फोन पर क्या जानकारी दी है। महेश आहिर सर, जो मुंब्रा में इलीगल बांध काम चालू है, तो इस पे आप लोगों की कार्रवाई कब तक होगी? ईद के दूसरे दिन से चालू होने वाली है, क्योंकि आचार संहिता में और रमजान के मौके का फायदा उठा के कुछ लोगों ने काम चालू किया। मेरे पास कंप्लेंट आई है और ऑलरेडी मैंने जब से AMC का कार्यभार संभाला है मुंब्रा में, तब से मैंने हर महीने में लिखित स्टाफ को वार्निंग दी है कि मुंब्रा में कोई इलीगल कार्रवाई, इलीगल सर्विस स्टेशन या हॉकर्स नहीं बैठने चाहिए। अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं आपके ऊपर एक्शन लूंगा। तो ईद के दूसरे दिन से मेरी कार्रवाई चालू होने वाली है। ये इलीगल बांध काम पर आपकी कार्रवाई ईद के दूसरे दिन से चालू होगी, लेकिन सर कहीं ना कहीं मुंब्रा में जो है पानी की भी काफी तकलीफें हैं, तो जो इलीगल तरीके से सेंटर चलाया जा रहा है और जो इलीगल कनेक्शन और जो बांध काम में पानी जाने की बात आ रही है, तो इस पर आप लोग कब तक कार्रवाई करेंगे? कल ही ऑनरेबल कमिश्नर सर के यहाँ पे इस बारे में मीटिंग हुई थी और मैंने जो डिप्टी सिटी इंजीनियर है वाटर डिपार्टमेंट के अर्जुन आहिर सर, उनको भी कहा है कि एक तो जहाँ पे इलीगल सर्विस स्टेशन है, जहाँ पे पानी वो कट करो करेक्शन, FIR दाखिल करने का ऑर्डर मैंने कल साड़ुंके और वागुले इंजीनियर को कल दे दिए मैंने। यानी अवैध निर्माणों को अब तोड़ा जाएगा, अवैध तरीके से शहर में चल रहे सर्विस सेंटरों पर भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा अवैध पानी कनेक्शन भी काटे जाएंगे और जो दोषी है उनके खिलाफ FIR भी करने की बात सामने आ रही है। यानी ईद के दूसरे दिन ही मनपा ये बड़ा कदम उठाएगी। शहर में हो रहे अवैध निर्माण पर अब मनपा का हथौड़ा चलना तय है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।